जय हिंद दोस्तों, मैं सीए भवन आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं जुपिटर हॉस्पिटल्स के आईपीओ का, जिसका आईपीओ खुल चुका है 6 सितंबर को और क्लोज हो जाएगा 8 सितंबर को। इसका जो अलॉटमेंट मिलेगा वो 13 सितंबर को अलॉटमेंट मिलेगा और आप इसको अगर लिस्टिंग गेन के लिए बेचना चाहते हैं तो वो लिस्ट हो जाएगा, मैं बता दूं, 18 सितंबर को मंडे को। अब कंपनी क्या करता है, कंपनी ये हॉस्पिटल सेक्टर में है और एडवांस हॉस्पिटल सेक्टर में, मतलब कि ज्यादा स्पेशलाइज्ड, ये प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर नहीं है, ज्यादा टर्टियरी और क्वार्टिनरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है और वो भी मुंबई के मेट्रोपॉलिटन एरिया में। इसका हॉस्पिटल्स जो है वो थाने में है, ऑलरेडी पुणे में है और डोंबिवली में काम चल रहा है हॉस्पिटल का, मतलब कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, ओपन नहीं हुआ। एक हॉस्पिटल इंदौर में भी है। सबसे ज्यादा रिवेन्यू किस हॉस्पिटल से आता है, तो सबसे ज्यादा रिवेन्यू थाने वाले हॉस्पिटल से आता है। इसके रिवेन्यू का 54% थाने हॉस्पिटल से आता है, पुणे वाले हॉस्पिटल से 34% आता है और इंदौर वाला हॉस्पिटल से करीब 12% का रिवेन्यू आता है। इसका जो बेड का कैपेसिटी है वो 1194 बेड का कैपेसिटी है और इसके पास ऑलरेडी 1300 प्लस डॉक्टर्स इनरोल्ड है इसके हॉस्पिटल, जो काम करते हैं स्पेशलिस्ट फिजिशियन और सर्जन का, ठीक है। अब ये डोंबिवली बेड में, डोंबिवली जो हॉस्पिटल खुल रहा है उसमें ऑलरेडी 500 बेड का कैपेसिटी ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट ईयर बाय एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं कंपनी का जो इशू साइज है, इशू साइज 870 करोड़ के आसपास ये इशू साइज ला रहा है और इसका जो प्राइस बैंड है वो 695 से 735 पर शेयर है। तो अगर आपको इसमें एक लॉट के लिए अप्लाई करना है तो 20 शेयर आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। और इसमें फ्रेश इशू कितना है, तो फ्रेश इशू जो कि कंपनी के पास पैसा जाएगा तो 542 करोड़ का फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल जो प्रोमोटर है वो अपना कितना बेच रहे हैं, तो 327 करोड़ का प्रोमोटर अपना सेल कर रहे हैं। आपको इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, रिटेल आप ट्रेडर हैं तो आपको 14,700 अपर बैंड पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा, वो होगा 1,91,100। आप HNI कैटेगरी में इससे ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिटेल शेयर का, इसमें तो 35% शेयर रिजर्व्ड है रिटेल के लिए। एंकर जो कि सब्सक्राइब हो चुका है 29% इसके लिए रिजर्व्ड है और HNI के लिए 15% और QIB के लिए 20% के आसपास रिजर्व्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका एसेट्स का, तो एसेट आप कंटिन्यूअस ग्रोथ देख रहे हैं। 2021 में जो एसेट 788 करोड़ का था वो बढ़ के 985 करोड़ का हो गया है और रिवेन्यू करीब डबल हो गया, 490 करोड़ से 902 करोड़ पहुंच गया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो प्रॉफिट, जो ये लॉस मेकिंग कंपनी था दो साल पहले 2021 जो फाइनेंशियल ईयर था जिसमें कोविड आया था उसमें इसको लॉस हुआ था, 2 करोड़ का लॉस था। अब वो लॉस के बदले में ऑलरेडी 73 करोड़ का प्रॉफिट कर चुका है, 72.91। तो यहाँ पर टर्न अराउंड, ह्यूज टर्न अराउंड देखने को मिला है और नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी इसका अच्छा खासा बढ़ने को देखने को मिल रहा है, 246 करोड़ से लेके 363 करोड़ हो गया है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो वो भी इन लाइन है, मतलब ज्यादा नहीं बढ़ रहा है लेकिन बोरोइंग्स है इसके बुक्स में, 425 करोड़ से बढ़ के अभी 468 करोड़ है। तो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रहेगा कि इसका बोरोइंग है। अब ये बात करें इसका जो वैल्यूएशन है, तो वैल्यूएशन किस प्राइस पे ला रहे हैं अपना आईपीओ, प्राइस पे ला रहे हैं वो 735 पे, ठीक है। तो अगर इस प्राइस का अगर हम कंपेयर करें तो ऑलरेडी 52.68 के पी पे मल्टीपल पे ला रहा है और इस प्राइस पे इसका मार्केट कैप जो होगा वो 4189 का होगा। आरओई कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी एक अच्छा मेजर होता है, वो 20% का है और आरओसी इसका 20% के आसपास का है, तो दोनों 20% के आसपास है। और जो ये पी आ रहा है इस प्राइस पे ये ऑलरेडी अगर अर्निंग को फैक्टर इन करें तो 52 से ज्यादा का है। करंट जो भी लिस्टेड पीयर्स हैं हॉस्पिटल सेक्टर्स के तो उनका भी पी आसपास इसी के चलता है, ठीक है। इसका जैसे अगर हम बात करें पीयर्स का इनके, तो इनका पीयर्स हो गया अपोलो हॉस्पिटल जो कि इनसे बड़ा हॉस्पिटल है, फोर्टिस हेल्थ केयर बड़ा है, मैक्स हेल्थ केयर, तो मैक्स हेल्थ केयर इन लाइन है, मैक्स केयर हेल्थ केयर इससे सस्ताई में 45 का पी है, नारायण हरुंदाल है ये 33 के पी पे है, ग्लोबल हेल्थ 53 के पी है, किम्स जो एक है वो 45 का पी है,
एक अपोलो इंटरप्राइजेज ही है जो इससे ज्यादा पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, बाकी सारे इनसे कम पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें स्मॉल लिस्ट ज्यादा स्कोप है नहीं लिस्टिंग गेन का, लेकिन आप स्मॉल लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो, क्योंकि अभी जीएमपी ऑलरेडी 270 के आसपास चल रहा है, तो आप 30% के आसपास प्रॉफिट के लिए लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अभी नहीं, लिस्टिंग के बाद हम देखेंगे कि हाँ कहाँ कैसे सेटल होता है, और एक बार एंकर बुक खुल जाएगा तो कैसे सेटल, उसके बाद से हम लॉन्ग टर्म के लिए रिव्यू करेंगे। तो लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एचएनआई कैटेगरी में भी कर सकते हैं और रिटेल कैटेगरी में भी कर सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सारे डिटेल्स के बाद ही आप अप्लाई करें और आपको पता हो कि आप क्या इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और अपने जो जो प्लान कर रहे हैं जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल्स में अप्लाई करने के उनके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।